Good morning, students. Continuing with the fifth chapter in geography, after studying about the major domains of the earth and the continent of Asia in detail, now we will discuss about the continent of Africa. Africa, world ka second largest continent hai after Asia. It lies between 37 degrees north to 35 degrees south latitude and 18 degrees west to 51 degrees east longitudes. Its north-south extent is nearly 8,000 kilometers and the east-west one is about 7,200 kilometers. Equator, जो एक इमेजिनरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड है और अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो अफ्रीका के ऑलमोस्ट मिडिल में से पास होता है. इनफैक्ट अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट कि जहाँ पर लैटिट्यूड्स इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 degrees नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट इज 23.5 degrees साउथ, ये तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं. इक्वेटर अफ्रीका को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन अफ्रीका से पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न अफ्रीका से. अफ्रीका का एक लार्ज पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. अफ्रीका के चारों तरफ ओशंस और सीज है. जैसे आप मैप में देख सकते हो, ईस्ट में इंडियन ओशन है, एटलांटिक ओशन वेस्टर्न साइड पे है और मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में और रेड सी नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है. रिवर नाइल, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो अफ्रीका में फ्लो होती है. सुएज कैनाल अफ्रीका और एशिया, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है. सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, दैट इज लोकेटेड इन अफ्रीका. इसके अलावा कालाहारी और नामीब डेजर्ट्स भी अफ्रीका में ही है. अफ्रीका को ग्रेट सफारी भी कहा जाता है क्योंकि लोग अफ्रीका में घूमने आते हैं वाइल्ड एनिमल्स को अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में देखने के लिए, जिन्हें हम नेशनल पार्क्स कहते हैं. अफ्रीका में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं. यहाँ एनिमल्स को हंट करना अर्न करने पर बैन है. अफ्रीका वॉज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट्स बाई द यूरोपियंस बिकॉज they knew little about it. Now, let us study about the continent of North America. North America, world ka third largest continent hai. Ye completely northern aur western hemisphere mein hai. It is situated between 7 degrees north to 83 degrees north latitudes and 53 degrees west to 180 degrees west longitudes. Apart from this, North America ke aas paas teen oceans hai. Pacific Ocean in the west, Arctic Ocean in the north and the Atlantic Ocean in the east. नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से एक बहुत नैरो लैंड स्ट्रिप यानी कि नैरो लैंड एरिया से जुड़ा हुआ है. इस नैरो स्ट्रिप को इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं. सो वी कैन से दैट नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका थ्रू द इस्थमस ऑफ पनामा इन द साउथ. नॉर्थ अमेरिका में दो माउंटेन रेंजेस हैं, रॉकी माउंटेन्स एंड अपेलेशियंस. इसी माउंटेन रेंजेस के बीच टॉल ग्रासेस के बहुत बड़े प्लेन एरिया से, जिन्हें प्रेरीज कहते हैं. सो द प्रेरीज आर द लार्ज एक्सटेंसिव प्लेन्स ऑफ टॉल ग्रासेस बिटवीन द रॉकी माउंटेन्स एंड द अपेलेशियंस. ये प्रेरीज ग्रासलैंड्स के एरियाज
क्रॉप्स उगाने के लिए और कैटल रेयरिंग के लिए बहुत सूटेबल है. कैटल्स आर रेयर्ड फॉर मीट, मिल्क एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स. नाउ लेट अस टेक अप द फोर्थ कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. उसका ज़्यादातर पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में पैसिफिक है और नॉर्थ में कैरेबियन सी है. साउथ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज भी है. माउंटेन रेंज मींस अ चेन ऑफ माउंटेन रेंज माउंटेन्स. सो वो माउंटेन रेंज है द एंडीज माउंटेन रेंज. एंडीज वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी कि उसमें अलग अलग छोटे बड़े और छोटे माउंटेन्स होते हैं. ये अराउंड 7,000 किलोमीटर्स लॉन्ग और अबाउट 200 किलोमीटर्स वाइड है. एंडीज साउथ अमेरिका के नॉर्थन पार्ट से सदर्न पार्ट तक एक्सटेंड होती है. माउंट एकोनकागुआ एंडीज माउंटेन्स का हाईएस्ट पीक है. इसकी हाइट अबाउट 6,960 मीटर्स है. वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन रिवर भी साउथ अमेरिका में ही फ्लो करती है. अमेजोन रिवर के आसपास के जो फॉरेस्ट है, यानी कि अमेजोन बेसिन हैज द थिकेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन साउथ अमेरिका. मैनी रेयर एनिमल्स लाइक लामा, जगुआर एंड अल्पाकास आर ऑल्सो फाउंड हियर.